नवनियतिवाद या न्यू डिटर्मिनिज्म, यह नियतिवाद या पर्यावरणवाद की संशोधित विचारधारा है जो व्यावहारिक जगत के अधिक समीप है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होने के कारण इसे वैज्ञानिक नियतिवाद भी कहते हैं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अधिकांश भूगोलविदों की विचारधारा संभववाद से जुड़ी हुई थी, और जो लोग नियतिवाद में विश्वास रखते थे वे भी प्राचीन नियतिवाद के आलोचक थे और उसके संशोधित तथा वैज्ञानिक स्वरूप पर बल देते थे। वास्तव में ये दोनों विचारधाराएं अतिवादी विचारकों द्वारा उत्पन्न की गई थी। प्राचीन नियतिवाद के समर्थक सदैव यह सिद्ध करने में लगे रहते थे कि मानव पर प्रकृति का नियंत्रण है और वह उसका दास है, जो कि आधुनिक काल में तर्कसंगत नहीं है। दूसरी तरफ संभववादी विचारधारा के अनुसार मानव को प्रकृति का विजेता समझा जाता है। इन दोनों अतिशयवादी विचारधाराओं के समन्वय का वर्तमान परिस्थिति में विशेष महत्व है, क्योंकि ये दोनों ही वास्तविकता से दूर प्रतीत होती है। आधुनिक नियतिवादी विचारक प्रकृति को प्रमुख मानते हैं, किंतु वे मध्य मार्ग का अनुसरण करते हैं। जॉर्ज टैथम के शब्दों में, वे अपेक्षाकृत संयमित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, नियंत्रण के स्थान पर प्रभाव और प्रभाव के स्थान पर प्रतिक्रिया या समायोजन का प्रयोग किया जाता है। उनके मतानुसार मानव प्रकृति के लिए आवश्यक है कि मानव प्रकृति की अवहेलना न करे तथा उससे सहयोग प्राप्त करे, क्योंकि मानव क्रिया व मानव जीवन पर प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव कमोबेश निश्चित रूप से पड़ता है। नियतिवाद की संशोधित इस नवीन विचारधारा को नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। इसे नव पर्यावरणवाद भी कहा जाता है। ग्रिफिथ टेलर द्वारा नवनियतिवाद का सर्वप्रथम मान्यता प्रदान की। टेलर द्वारा नियतिवाद को नवीन स्वरूप प्रदान किया और प्रकृति के नियंत्रण की नहीं बल्कि प्रकृति के प्रभाव की व्याख्या की। इस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित नियतिवाद का समर्थन किया। टेलर ने इस बात पर बल दिया है कि मानव जीवन पर पर्यावरण के नियंत्रण की पूर्णतया उपेक्षा नहीं की जा सकती, भले ही उसमें कमी लाई जा सकती है या उसे संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिका या यूरेशिया के शीत प्रधान टुंड्रा प्रदेशों, अंटार्कटिका, सहारा, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों में मानव को प्रकृति की दास्ता स्वीकार करनी पड़ती है और मानव प्रकृति के नियंत्रण से मुक्त नहीं है। इसी प्रकार
अनुपयुक्त भौगोलिक दशाओं वाले अनेक क्षेत्र निर्जन प्राय है, जो निकट भविष्य में एशिया, यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के सघन जनसंख्या वाले भागों के समान विकसित नहीं हो सकते, क्योंकि प्रकृति की सीमाएं उसे रोकती है। यहाँ प्रकृति के नियंत्रण की प्रबलता है। टेलर ने अपने इस संशोधित नियतिवाद को वैज्ञानिक नियतिवाद की संज्ञा दी है। दूसरा नाम उसने रुको और जाओ नियतिवाद भी कहा है। टेलर के अनुसार प्रकृति चौराहे पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस के समान है, जो यात्रियों को चौराहे पर नियंत्रित करती है, किंतु उनके गंतव्य को प्राय बदलती नहीं है। चौराहे पर पहुंचकर यात्री अपने दाएं बाएं देखकर तथा अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ता है, जबकि उसे कुछ क्षण के लिए ठहरना भी पड़ सकता है। जिस प्रकार अपनी भलाई के लिए यात्री को यातायात के नियमों का पालन करना उपयोगी है, उसी प्रकार मानव को प्राकृतिक नियमों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। जॉर्ज टैथम ने टेलर की इस विचारधारा को व्यवहारिक संभववाद की संज्ञा दी है, जिसमें प्रकृति मानव के सम्मुख अनेक योजनाएं प्रस्तुत करती है, जिसमें मानव के चयन करने की स्वतंत्रता होती है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता एल्सवर्थ हंटिंगटन ने वैज्ञानिक नियतिवाद में ही आस्था व्यक्त की थी। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उनकी पुस्तकों में इस विचारधारा की झलक मिलती है। उन्होंने मानव की आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्रियाओं पर प्राकृतिक दशाओं के प्रभावों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। वे प्राकृतिक तथ्यों में जलवायु को सर्वाधिक प्रभावशाली मानते थे। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता मार्टिन ने नीतिवाद को आवश्यक बताया है। वैज्ञानिक स्तर पर उनके अनुसार उन नियमों की व्याख्या करते हैं जिनके अनुसार कोई विशिष्ट क्रिया संपूर्ण कार्य कारण संश्लिष्ट के प्रभाव से अपना स्वरूप प्राप्त करती है। उन्होंने कार्य कारण को समष्टि तथा संश्लिष्ट के रूप में देखा, इसलिए उन्होंने यह प्रस्तावित किया कि नियतिवाद निश्चित रूप से विद्यमान है, किंतु कारण और प्रभाव की कड़ी बहुत जटिल है। लेवेथ वेट ने मार्टिन के विचारों से सहमति व्यक्त करते हुए बताया कि भूगोलवेत्ता दावे के साथ नहीं कहते हैं कि भौगोलिक पर्यावरण ही मानव क्रिया का अकेला या सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक है। वे केवल यह कहते हैं कि उनका विशिष्ट कार्य अन्य की अपेक्षा निर्धारकों के इस समूह का परीक्षण करना है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नियतिवादी विचारधारा में परिमार्जन हुआ, जिससे नवनियतिवाद की उल्लेखनीय प्रगति हुई। अमेरिकी भूगोलवेत्ता कार्ल सावर ने संशोधित नियतिवादी दृष्टिकोण अपनाया और मानव व प्रकृति के मध्य समायोजन की आवश्यकता पर बल दिया है। उनका विचार था कि मानव को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुकूल अपने को कुछ हद तक बदल कर और उसके साथ ही आवश्यक परिवर्तन करके उसमें समायोजन करना चाहिए। इस प्रकार से नवनियतिवादी अनुकूलन और समायोजन दोनों पर बल देते हैं।
हर्बर्टसन के अनुसार विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त करते हुए उन्होंने यह सिद्ध किया कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में केवल प्राकृतिक तत्वों की ही नहीं बल्कि मानवीय तत्वों की भी समानता पाई जाती है। उनका मानना था कि मानव पर भौतिक शक्तियों का प्रभाव इतना प्रबल होता है कि वह मानव जीवन तथा उसके क्रियाकलापों में प्रकट होता है, किंतु मानव अपने बुद्धि कौशल के विकास पर इनको सीमित कर सकता है, यह उसमें क्षमता पाई जाती है। ब्रिटिश भूगोलविदा फ्लूअर ने प्रकृति के साथ मानवीय पक्ष पर भी बल दिया है। उनके विचार से मानव प्रदेश जलवायु तथा पर्वतों की सीमाओं की भी लांग जाते हैं, किंतु उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मानव प्रदेशों के अध्ययन में प्राकृतिक शक्तियों की अवहेलना नहीं की जा सकती। इस प्रकार उन्होंने प्राकृतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार की शक्तियों के समन्वय पर बल दिया है, जो नवनियतिवाद का मूल तत्व है। नियतिवाद व संभववाद दोनों अतिवादी विचारधाराएं हैं जिनकी सार्थकता व्यावहारिक जगत में बहुत कम हो गई है। समान प्रकार के प्राकृतिक पर्यावरण वाले दो अलग अलग प्रदेशों में भी मानव जीवन, मानव की क्रियाकलाप, सामाजिक सांस्कृतिक दशाएं आदि निश्चित रूप से समान नहीं पाई जाती है, क्योंकि इनके निर्धारण में मानव शक्ति का भी हाथ होता है। अतः यह प्रादेशिक भिन्नता मानवीय गुणों में भिन्नता का ही परिणाम है। इसी प्रकार मानव भूतल पर जो भी आर्थिक, सामाजिक या राजनैतिक कार्य करता है, उस पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ता है। किसी देश या प्रदेश के निवासियों का भोजन, पोशाक, आवास, गृह, व्यवसाय, सामाजिक संगठन, परंपराएं, राजनीतिक संगठन आदि सभी संबद्ध पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। समस्त मानवीय क्रियाएं प्राकृतिक तथा मानवीय दोनों दशाओं से प्रभावित तथा नियंत्रित होती है। अतः मानव प्रकृति की अंतर क्रिया में किसी एक को सर्वशक्तिमान दूसरे की उपेक्षा करना न उचित है, न ही व्यवहारिक। कृषि, पशुपालन, आखेट, उद्योग आदि प्राथमिक क्रियाओं पर प्रकृति का प्रभाव अधिक है, जबकि उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि पर मानव का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है, किंतु इनमें से कोई भी व्यवसाय मानव व प्रकृति में से किसी एक के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं है। इसी कारण नवनियतिवाद की स्वीकार्यता आज के समय में संपूर्ण भौगोलिक जगत में मान्य है।